छत्तीसगढ़ के पंखाजूर से खबर है, जहां दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आपको बता दें कि बंग समुदाय की परंपरा के अनुसार महिलाएं दुर्गा पूजा दशहरा षष्ठी से दशमी तक व्रत रखती हैं और मां दुर्गा की पूजा करती हैं। दशमी पूजा के बाद सभी महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई देती हैं, जिसके बाद परंपरा के अनुसार महिलाएं सिंदूर से होली खेलती हैं, एक दूसरे के गालों पर लगाकर और मिठाई खिलाकर जश्न मनाती हैं, जिसे सिंदूर खेला कहते हैं। यह एक पारंपरिक त्यौहार है जो बंगाल और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में मनाया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाती हैं और खुशी के साथ गीत गाती हैं। यह त्यौहार दशहरे के दिन मनाया जाता है, जो दुर्गा पूजा का आखिरी दिन होता है। दुर्गा माता पूजा सिंदूर खेला दुर्गा माता की पूजा का एक हिस्सा है, जो शक्ति और स्त्रीत्व का प्रतीक है। खेला सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें खुशियों से जुड़ता है। हम लोग बंगाली हैं, जो शुरू से बचपन से देखे आ रहे हैं कि उसके जो बड़े लोग हैं, माँ है, लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो आज के दिन में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, सिंदूर बांटते हैं, हमारे यहाँ जब से हम लोग पैदा हुए समझ में आया कि हम लोग छोटे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो माँ मम्मी दादी सबको देखे है कि सब लोग सिंदूर खेलते हैं, जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं यहाँ का। किस प्रकार की खुशी मनाते हैं इसमें? हम लोग सिंदूर भी खेलते हैं, ऊपर से यहाँ सब लोग मिलते भी हैं, जैसे एक साथ तो मिलने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आके मिल जाता है कि सबको देखेंगे, मिलेंगे। एक तो हम पुराना परंपरा है हमारा, और हम लोग जैसे खुशी है हमारा इस दिन का, हम कोई साल भर से इंतजार करते हैं, और मांग तो अंतिम है कि हम सिंदूर खेल के सिंदूर लगा के क्या क्या मांगते हैं, मांगते हैं कि हम हमको हमेशा मतलब सभी को अच्छा रखे और हमारा मनोकामना पूरा करे और अच्छा रखे साल भर सबको, और हमारे पूरा जहाँ पे हम करते हैं जितने लोग भी मिलकर करते थे हमको सबको अच्छा रखे, सब अच्छा रहे, यही कामना करते हैं हम।